सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। गुना में सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाया प्लान। दिग्विजय ने दिए लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पहले पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए थे, लेकिन हाईकमान की सख्ती के आगे अब पार्टी के दिग्गजों के सुर बदल गए हैं और वो हाईकमान के आदेश का पालन करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने तमाम दिग्गजों को उतारेगी। एक दर्जन सीटों पर तो वर्तमान विधायकों को भी टिकट दिए जाने के संकेत मिल चुके हैं, तो विधानसभा चुनाव में हारे दिग्गजों पर भी दाव लगाने की तैयारी है। इस बीच दिग्विजय सिंह ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस गुना संसदीय सीट से चुनाव लड़ा सकती है। गुना से बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतार रही है, ये तय माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि सिंधिया अगर गुना से लड़ेंगे तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। गुना सीट पर दिग्विजय और उनके बेटे जयवर्धन की सक्रियता ने भी इस ओर संकेत दे दिए हैं। वैसे जयवर्धन सिंह तो विधानसभा चुनाव के समय से ही गुना संसदीय सीट पर सक्रिय बने हुए हैं। इसके बाद से ही इस बात के संकेत मिल रहे थे कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सिंधिया की घेराबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वैसे भी 2020 में सिंधिया की बगावत की टीस अभी तक कांग्रेस के नेताओं को बनी हुई है। कांग्रेस ने कोशिश तो विधानसभा चुनाव में भी सिंधिया को उनके गढ़ में घेरने की थी और कुछ हद तक इसमें कामयाब भी रही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना की तोड़ कांग्रेस के पास नहीं थी। लाडली बहना के चलते मध्य प्रदेश में बीजेपी ने स्वीप कर दिया था। सिर्फ ग्वालियर चंबल में ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में एमपी की ऐसी योजना नहीं है जिसे गेम चेंजर कहा जा सके, इसलिए कांग्रेस अब पूरी ताकत से बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। वैसे भी सिंधिया खिलाफ कांग्रेस लगातार दमदार उम्मीदवार की तलाश कर रही है, और जब सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने का सवाल दिग्विजय से किया गया तो उन्होंने संकेत दे दिए कि नेतृत्व फैसला मानेंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की बात भी कही थी, लेकिन कहां से लड़ेंगे इस पर साफ कुछ नहीं कहा है। दरअसल दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में गुना पहुंचे थे। यहां पर सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और उम्मीदवारों के बायोडाटा भी मांगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम सभी को मिलकर संघर्ष करना है, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और गुना लोकसभा सीट से उम्मीदवार होगा, उसके रायशुमारी की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने जब कार्यकर्ता से वन टू वन चर्चा की तो एक कार्यकर्ता ने दिग्विजय सिंह को सलाह देते हुए कहा कि गुना लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत है उसके जिम्मेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सिंधिया जहां से भी लोकसभा चुनाव लड़े उस सीट को कांग्रेस जरूर जीते, ये संदेश देना होगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इस बीच एक कार्यकर्ता ने दिग्विजय सिंह से ही गुना में चुनाव लड़ने को कह दिया है। दिग्विजय ने इस मांग को सीधे सीधे खारिज नहीं किया है। इसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि अगर पार्टी हाईकमान दिग्विजय सिंह को गुना से टिकट देगा तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिग्विजय को भोपाल से संसदीय सीट से चुनाव लड़ाया था। भोपाल को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां से पिछले 7 चुनाव से बीजेपी लगातार जीत रही है और जीत का मार्जिन भी 10% से ज्यादा का रहता है। दिग्विजय कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। ऐसे में अगर हाईकमान गुना चुनाव लड़ने का आदेश देता है तो दिग्विजय सिंह गुना चुनाव लड़ने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण न्यूज़।